हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रीतम सिंह। आज हम बात करेंगे घुटने के दर्द के बारे में। घुटने के दर्द से बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारे लोग परेशान हैं, चाहे वो ओल्ड एज पेशेंट्स हो या फिर यंग एज पेशेंट्स हो। तो उनकी कंडीशन का, उनके जो दर्द का निवारण आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, ये वो एक्सरसाइजेस हैं। इनको ओल्ड एज ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट भी कर सकता है, मेनिस्कस टियर का पेशेंट भी कर सकता है, या पटेलो फिमोरल सिंड्रोम का पेशेंट भी कर सकता है। इन एक्सरसाइजेस को करने से आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। ये सारी एक्सरसाइज आपको दिन में 2 से 3 बार करनी है। तो पहली एक्सरसाइज है, आपको ऐसा एक टॉवल लेना है और पंजे पे लगाना है और पंजे को पीछे की तरफ खींचना है, तो यहाँ पे आपको खिंचाव महसूस होगा। फिर धीरे धीरे पंजे को आगे की तरफ करना है, फिर पीछे की तरफ लेकर आना है। इससे आपके पिंडली में खिंचाव भी होगा और आपके पिंडली में ताकत भी आएगी। बस शर्ते इस एक्सरसाइज को ऐसे बैठ के जिसके कमर में दर्द हो वो ना करें, जिसके कमर में दर्द है वो दीवार का सहारा लेके इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज है, आप आराम से लेट जाएंगे, टॉवल को ऐसे रखेंगे, पैर को ऊपर की तरफ खींचेंगे, 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे और छोड़ देंगे। इससे जो आपके पीछे की मांसपेशियां हैं उसमें खिंचाव आएगा और आपको रिलीफ मिलेगा। थर्ड एक्सरसाइज है, आपको ऐसे बॉल लेना है, घुटने के नीचे रखना है और घुटने को नीचे की तरफ कंप्रेस करना है, नीचे की तरफ प्रेस करना है। ये घुटने की आइसोमेट्रिक है और बिना मूवमेंट किए घुटने की स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज है। ये बिना घुटने का मूवमेंट किए घुटने की सबसे बेस्ट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, घुटने के ताकत की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करना है, 10 सेकंड तक होल्ड करना है और 10 से 15 रिपीटेशंस करने हैं आपको। ये आपकी थर्ड एक्सरसाइज है। फोर्थ एक्सरसाइज, आपको ऐसा एक लूप बैंड या थेराबैंड लेना है, सीधे लेट जाना है, घुटने के अंदर डालना है आपको और घुटने को बाहर की तरफ, दोनों पैरों को बाहर की तरफ खोलना है। इससे आपके जो ग्लूट्स और आपके जो अबडक्टर्स हैं वो स्ट्रेंथनिंग में आएंगे और जो आपके घुटने हैं उन पे प्रेशर कम पड़ेगा। ये आपके घुटने में पेन, जो पेन डायरेक्ट जाता है आपके घुटने में, चाहे वो स्पाइन अलाइनमेंट से हो, तो उसमें आपको रिलीफ देंगे। दूसरा, जो आपका लोअर बैक पेन का जो इश्यू होगा उसको भी ये क्लियर करेंगे। जब आप ये हिप का अबडक्शन करेंगे तो इससे आपके हिप अबडक्टर्स स्ट्रेंथ में आएंगे और घुटने में डायरेक्ट पेन होने से आपको बचाएंगे। सेकंड, इसका ही दूसरा वर्जन है, आप टेढ़ा लेट जाएंगे, टेढ़ा लेट के आप पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। ये भी आपके हिप अबडक्टर्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, ये भी काफी अच्छी एक्सरसाइज है हिप एब्डक्टर्स की। तो ये एक्सरसाइजेस आप हर कंडीशन में कर सकते हैं, चाहे आपके नॉर्मल नी पेन हो या फिर आपके मेनिस्कस टियर हो या फिर आपके पटेलो फिमोरल सिंड्रोम हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो। ये एक्सरसाइज आपको दिन में 2 से 3 बार करनी है, 10-10, 15-15 के रिपीटेशंस पे। और इस एक्सरसाइज, इन सारी एक्सरसाइजेस के करने से आपको जो पेन है वो इंस्टेंट, उस पेन में इंस्टेंट आराम मिलेगा।